मैंने इसके फॉर्मूला पिछली सॉरी टॉपिक है डिफॉर्मेशन। प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। टॉपिक का नाम है डिफॉर्मेशन, चैप्टर का नाम है डिफॉर्मेशन और उसमें मैं रख रहा हूं जून 2010, 22 और उसका 5। डिफॉर्मेशन का तो आज शाम को क्विज रखा हुआ है। हाँ मेगा टेस्ट पिछला वाला कुछ लोगों ने सही नहीं किया ना, तो एक और रख लेंगे। मेरे पास इतने टेस्ट हो ना कि ये एक्सपेक्टेड का मसला कवर हो जाए। समीर पानी भिजवा दे। असल में मैंने ये किया ना कि मेरे पास सफिशिएंट डिजिटल टेस्ट मौजूद है जिसमें वो भी अब मैंने उसका कर दिया 857। अब अगर 857 है, 858, 859 तो सब हो जाएगा। चलो डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में पहला पास पेपर खोल लो। अगर आपके पास ये रीड एंड राइट वाली बुक है तो सबसे अच्छा है। ये पहला है जून 2010, 22। बातचीत रोको प्लीज। जून 2010 22 का 5 ईयर नंबर नोट कर लो। कौन सा पेज है बताओ? किसी के पास रीड एंड राइट का पेज नंबर आ रहा है? 349। चलो पेज नंबर 349 है रीड एंड राइट का। चलो इंग्लिश पढ़ने में कोई हेल्प करेगा? शुरू करें। टेंसाइल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ कॉपर रॉड सो दैट द रॉड इज स्ट्रेच्ड। The variation with stress of the strain of the rod is this. Y-axis पे क्या है? Stress. और X-axis पे क्या है? Strain. जरा चेक करो स्ट्रेस का यूनिट क्या दिया हुआ है। खाली पास्कल है या पास्कल से पहले कोई नंबर है? देखो पास्कल से पहले क्या लिखा हुआ है। गुड। और अगर तुम इसको शुरू करो चलो अब बताओ पास्कल से पहले क्या लिखा हुआ है। सही। थैंक यू। चलो अब मुझे बताते जाओ। देखो अगर तुम सब लोग मुझे हेल्प करोगे तो हम जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। पहला पार्ट, यूज द फिगर टू डिटरमाइन द यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यंग मॉड्यूलस? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो क्या इस ग्राफ का कोई ग्रेडियंट वगैरह निकालू? कैसे? ये तो शुरू में तो लाइन सीधी है और यहां से आके मुड़ना शुरू हो गई, तो कहां तक ग्रेडियंट लूं, क्या करूं? जहां तक स्ट्रेट है
माता ग्रेडियंट ले लो, चलो ठीक है ग्रेडियंट लो। ग्राफ का एक पॉइंट ये ले सकता हूं, ये वाला देखो नीचे वाला पूछ रहा हूं, जीरो जीरो ले लूं, इसका तो ट्रू ऑरिजिन है। अगर एक पॉइंट ये ले लूं जीरो जीरो और एक पॉइंट बिल्कुल यहां ले लूं, शहजाद देख रहा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ कि ग्रेडियंट वाली लॉजिक मुझे समझ आ गई, तो अब मैं ग्रेडियंट लूं तो आंसर बताओ। मैंने वर्किंग बोर्ड पे दी है, पेपर है, पेपर का ईयर नोट कर लो जो लोग अभी आए हो, जून 2010, 22-5। इसका पेज नंबर अभी आई थिंक यासर किसने बताया था, पेज नंबर क्या था, 349 पेज नंबर। इसके आगे तो ग्रेड, इसके आगे जाओगे तो गलत हो जाएगा। मैंने इसका ग्रेडियंट निकाल के शो किया, आप लोग जरा कंपेयर कर लो। पहले पार्ट का आंसर देखो, पहले पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो है 1.1 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ नहीं, जहां से वो कर्व होना शुरू हो जाएगा वहां से दूर मैं नहीं ले सकता ना। चलो अब इसका पार्ट टू बताओ, जरा पार्ट टू चेक करो, पार्ट टू पढ़ो। पार्ट टू पढ़े, ऑन फिगर 5.1 स्केच अ लाइन टू शो the variation with the stress of the strain of the rod as the stress is reduced from this number to zero, no further calculation is expected. क्या करने को कह रहे, वो कह रहे हैं कि तुम अपने ग्राफ पे जाओ और इसको अनलोड करो। ये लोडिंग है या अनलोडिंग का ग्राफ है, ये लोडिंग है। अच्छा जब तुम यहां तक पहुंच गए, जरा स्क्रीन पे देखो, जब तुम फोर्स हटाओगे तो क्या आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस कम होना शुरू होगा, ऐसे कम होता जाएगा यहां तक आ जाएगा। क्या ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, क्यों पैरेलल क्यों होनी चाहिए, क्या मैं जरा स्क्रीन पे देखो, क्या मैं ये लाइन अगर ऐसे बना दूं यूं, या मैं ये लाइन यूं बना दूं तो गलत हो जाएगा। Why should I draw a line parallel to this line? Why should I draw a line parallel to this line? क्या इस लाइन का ग्रेडियंट कोई चीज है, बताओ इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, क्या यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है? अगर मैं उसी लाइन इसके पैरेलल ना बनाऊं तो क्या गलती हो जाएगी, यंग मॉडुलस चेंज हो जाएगा। गुड, तो अब तुम रूलर उठाओ, पेंसिल उठाओ, अपनी बुक पर इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, लेकिन बनाना नीटली।
इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, अच्छा अपने लिए जीरो क्या लिखा है? वो है, आप रीड नहीं कर रहे ना, वही तो निकाला अभी आपने, निकाला क्या जो 2.5 10 पावर है वही तो है। टू पॉइंट फाइव यहां होगा ना, हाँ ये जो लिखा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सीआई में ना बहुत कम ऐसा हुआ है कि सीआई में कभी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई हो, लेकिन ये बहुत मशहूर है। तुम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखो, वहां तुम्हें लिखा हुआ नजर आएगा कि ये एक मिस्टेक हुई थी, बाद में सीआई ने फिर अपोलोजाइज किया था। ये बहुत मशहूर केस है, तो तुम लोगों ने सही पॉइंट आउट किया, मुझे भी देख के याद आया। तो नहीं, इसमें उन्होंने सबको दिया था, ये सीआई का बड़ा रिकॉर्ड मिस्टेक है, पूरी दुनिया में शोर मचा था कि इसमें इनसे गलती हुई थी, ये टाइपिंग एरर है। चलो आगे चलो, अब ये वाला पार्ट पढ़ो। पढ़ो कि द वॉल्स ऑफ द टायर्स ऑन अ कार आर मेड ऑफ अ रबर कंपाउंड, ऑफ अ रबर कंपाउंड द वेरिएशन विद स्ट्रेस ऑफ द स्ट्रेन ऑफ अ स्पेसिमन ऑफ दिस रबर कंपाउंड इज शोन। नीचे उसका ग्राफ बना हुआ है और आगे पढ़ो। एज द कार मूव्स द वॉल्स ऑफ द टायर्स बेंड एंड स्ट्रेटन कंटिन्यूअसली, यूज द फिगर 5.2 टू एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्स ऑफ द टायर्स बिकम वार्म। टायर गर्म क्यों हो जाएगा, जो अक्सर हो जाता है, फ्रिक्शन का लफ्ज बोलो, लेकिन उससे तो वो आपको ओ लेवल में वापस भेज देगा। फोर्सेस, ये बताओ कि आप में से कुछ लोगों को याद है कि ये जो एरिया है ये कौन सा है? ये ऊपर वाला जो एरो वाला कर्व है, ये वाला कर्व कौन सा है? लोडिंग है। और ये अच्छा, क्या लोडिंग अनलोडिंग अगर तुम गौर से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेटन, और स्ट्रेटन से पहले ये लोडिंग है और ये अनलोडिंग है। तो किसी को याद है कि जब डिफॉर्मेशन के स्केचेस मैंने करवाए थे तो उसमें तीन तरह के एरियाज होते हैं,
Total area under the sketch shows what? Total work done. Area under unloading graph shows. मैंने उसके लेक्चर्स दोबारा अपलोड किया क्योंकि उसके अंदर स्केचिंग में लोगों को मसला आ रहा था. Area under the loading sketch shows total work. Area under the unloading sketch shows the energy recovered and the area between the two curves shows energy. Energy loss. Energy loss in form of heat. दोबारा शुरू से. Deformation के जो sketches होते हैं, उनमें कितने areas होते हैं? तीन. पहला area under the loading sketch. उसको क्या कहते हैं? That area shows the total energy, total work done. Area under unloading sketch shows the energy which is recovered, and the area between two curves. Between two curves shows third time. दोबारा एक रबर एक स्प्रिंग है. What's the difference? एक स्प्रिंग है, उसको पकड़ के दबा. ये क्या है? Total work done. उसको छोड़ दो, वापस आएगा. जिस एनर्जी से वापस आएगा उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी रिकवर. तुमने 5 जूल से उसको दबा ये टोटल वर्क है, छोड़ा 4 जूल से वापस आ गया. व्हाट इज 4 जूल? एनर्जी रिकवर. वेयर इज 1 जूल? 1 जूल इज लॉस्ट विद इन द सिस्टम. और वो कैसे दिखेगा? एरिया बिटवीन द कर्व्स. जरा अच्छा अब ये बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं अपना ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूं. अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं बना तो ये एक मुसीबत होगी. जरा देखो ये शेडेड एरिया, ये क्या है? एनर्जी लॉस्ट. जरा थर्ड टाइम कॉन्सेप्ट बनाओ. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं, जिस एनर्जी से उसको दबा देते हैं या खींच देते हैं, उसको क्या कहते हैं? टोटल वर्क. जब आप उसको छोड़ेंगे वो वापस आएगा, तो जो एनर्जी रिटर्न करेगा उसको क्या कहेंगे? एनर्जी रिकवर. जो एनर्जी रिकवर नहीं होगी वो कहां है? सिस्टम के अंदर वेस्ट हो जाएगी. या तो हीट बन जाएगी, साउंड बन जाएगी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाएगी. तो ये जो शेडेड एरिया है, व्हाट दिस शेडेड एरिया इज शोइंग? एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ साउंड एंड इन फॉर्म ऑफ. जिन लोगों को गाड़ियों का एक्सपीरियंस है, खासतौर पे तेज चलाने का, क्या रबर गर्म हो जाता? जो बच्चे स्पीच वगैरह का भी एक्सपीरियंस करते हो, उसमें पानी डालना पड़ता है बाइक में ठंडा करने के लिए. वजह क्या है? अब मुझे बताओ कि अब तुम सवाल को और से पढ़ो. सवाल में तो लोडिंग और अनलोडिंग का लफ्ज ही नहीं है. सवाल में उसकी जगह क्या वर्ड है? बेंडिंग एंड बेंडिंग का मतलब लोडिंग और स्ट्रेटनिंग का मतलब. और ये एरिया क्या शो कर रहा है? एनर्जी. अब तुम इसकी इंग्लिश बनाओ. अब तुम इसकी एक अच्छी सी इंग्लिश बना के मुझे बताओ. अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब तुम मुझे इसकी इंग्लिश बना कर दो. देखो इसके कितने मार्क्स हैं? मार्क्स बताओ. मार्क्स बहुत ज्यादा है, 3 मार्क्स. पढ़ो. यूज फिगर 5.2 टू एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्स ऑफ द टायर बिकम्स वॉर्म. कितने मार्क्स दे रहे हैं? 3. मैं क्या बोलूं कि जब टायर बेंड होगा तो ये लोडिंग है, इसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी. जब टायर स्ट्रेटन होगा तो ये क्या है? अनलोडिंग. इसमें कुछ एनर्जी रिकवर होगी.
दोनों कर्व्स के दरमियान का एरिया वो एनर्जी है जो कि लॉस हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ। अब ए ग्रेड बच्चे से वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, यहां पर 3 मार्क्स किस बात के दे रहे हैं? 1 मार्क ये बताने का है कि लोडिंग और अनलोडिंग के दरमियान जो एरिया इनक्लोज है वो किसको शो कर रहा है? एनर्जी लॉस। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एनर्जी अंदर जाकर टायर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है? वेरी गुड। अब जरा देखते हैं कौन सा बच्चा स्मार्ट हो गया। What is the definition of heat energy? CI कहते हैं क्या क्या लोगों को heat energy की definition का क्या पता? What is heat energy? Heat energy is the total kinetic energy of the molecules. वो energy जो system में loss हो गई वो क्या बनेगी, वो क्या बढ़ाएगी? काइनेटिक एनर्जी होगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे टायर क्या हो जाएगा? गरम। अब इंग्लिश बात 3 मार्क्स हैं, 3 आइडियाज हो गए। अब इंग्लिश बताते हुए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इंग्लिश बताते हुए बहुत आगे हो जाएगा, इतनी चीज नहीं छोड़ोगी। बच्चों ने लिखा है लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक, तो बिल्कुल फिर आफरीदी वाला सा है, पूरी विकेट ना छोड़। 3 मार्क्स है, मुझे इंग्लिश बना के ओरली लिखा तो ओरली बोल दो, यदि इंग्लिश हो तो आ जाए मुझे। हाँ बोलो। बन रही है energy is lost within the system, some energy is lost within the system as the area enclosed in figure 5.2, as the area enclosed in figure 5.2, full stop. This energy increases average Ega for kinetic energy. This energy increases average kinetic energy of molecules comma temperature increases, temperature
increases, tire becomes hot. Sorry, tire becomes warm. बिल्कुल एरिया के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल मैंने उसको यूज किया है, लेकिन आप चाहो तो पूरा आंसर एरिया पे ले जा सकते हो। चलो अब ये वाला ईयर निकालो जल्दी से, हमारा आधा घंटा गया है एक क्वेश्चन पे। लेकिन जरा हम डिस्कस करें, लेकिन हमें मैंने कहा था हमारा क्लास में 15 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को नहीं जाना चाहिए। वैसे क्या मैंने एवरेज बताया पर क्वेश्चन 7 to 8 मिनट। चलो ये ईयर नंबर खोल लो, नवंबर 10, 21, 4। हाँ बोलो, नहीं वो टेम्परेचर तो एवरेज नहीं होता ना, टेम्परेचर तो एक होता है, पीछे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज होती है। नवंबर 10, 21 का 4 यार बातचीत ना हो प्लीज। पेज नंबर 3, 345, ये क्वेश्चन आ गया। चलो अब पढ़ो इसकी इंग्लिश, पढ़ो सब लोग इसकी इंग्लिश पढ़ो। अ यूनिफॉर्म वायर हैज लेंथ कैपिटल एल, कॉन्स्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, मटीरियल्स ऑफ द वायर हैज यंग मॉड्यूलस कैपिटल ई एंड रेजिस्टिविटी रो, टेंशन एफ इन द वायर कॉजेस इट्स लेंथ टू इंक्रीज बाय डेल्टा एल। Find this wire for this wire state expression in terms of L, A, F, delta L and rho for the stress sigma. F upon A कर दूं, ठीक है? आप लोग मुझे ये चारों भर दो, फिर मैं आपको आंसर, ये आसान है, ये मुझे चारों फिल कर दो, आप लोग ये चारों फिल कर दें जल्दी से, लिखना शुरू करें। तुम यार तुम्हारा दूसरा बिजनेस क्या करने जा रहे हो? इसको तो फिर नहीं, मेरा स्कूल बंद हो गया, स्कूल के बाहर ही अपना स्कॉलर आ रहे हैं। यार ये मुझे लिखने दो,
यार आंसर्स बता, आंसर कंपेयर करो, आंसर मुझे बताओ कि बातचीत बिल्कुल ना हो प्लीज. पहला आंसर है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दूसरा है डेल्टा एल अपॉन एक्सटेंशन के लिए क्या लिखोगे एफ एल अपॉन. क्या ये डेल्टा एल एक्चुअली स्मॉल ई है? ठीक है. फिर पार्ट नंबर फोर, ये क्या है फॉर्मूला है क्या? ये रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. ठीक है आगे चले. One end of a metal wire of length 2.6 meter and constant area of cross section this is attached to a fixed point as shown. ये पूरी डायग्राम देख ले. अब आगे पढ़े, हमें इसमें दिया हुआ है यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर एंड इट्स रेजिस्टिविटी. लोड ऑफ 30 न्यूटन इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द वायर. एज्यूम दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर डज नॉट चेंज. फॉर दिस लोड ऑफ 30 शो दैट द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज 2.9 मिलीमीटर. कैलकुलेशन कोई करके बता सकता है, शो करना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा ई इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. उसमें डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाए, एफ रखें, एल रखें, ए और ई और सिंप्लीफाई करें तो शो हो जाना चाहिए. हाँ तुम लोगों के पास क्या आ रहा है? शो हुआ है अंश? यस सर. नामों की मुझसे गलती होती है. बहरहाल अब बताओ बाकी लोग बताओ कि ये शो हो रहा है? शो हो रहा है ठीक है. ये वाला क्वेश्चन ये ना पार्ट देखो. देखिए कि कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. ये क्या मांग रहा है? कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. तो ये कैसे निकलेगा? डेल्टा एल अपॉन तो इसको अगर आप लोग रेजिस्टिविटी से करना चाह रहे हो तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. डेल्टा R इज इक्वल टू रो डेल्टा L अपॉन ए. मेरे पास एरिया है, मेरे पास डेल्टा L है, वो रख देता हूं और मुझे डेल्टा R की वैल्यू मिल जाएगी. क्या रेजिस्टिविटी दी हुई है? ठीक है सारा कुछ पुट करो.
2 into 10 is to power minus 4. सही है. इसका तीसरा पार्ट कैसे होगा? इसका जो अगला पार्ट है, अच्छा आगे तो थ्योरी ले आई है, ठीक है. द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंजेस विद द अप्लाइड लोड. कमेंट ऑन द सजेशन दैट दिस चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कुड बी यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड ऑन द वायर. ये जो थ्योरी पार्ट होते हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं. अब ये मुश्किल पार्ट है. ये क्या कह दिया, अब ये जो इनिशियली भी है इसमें ये क्या कह रहा है कि अभी आपने क्या निकाला, क्या डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या रखते निकाला है. ये बताओ कि सेंसर्स काम कैसे करते हैं. जो थर्मोमीटर होता है वो चेंज इन टेम्परेचर कैसे शो करता है. तो ये तुम्हें बड़े जबरदस्त तरीके से ट्रैप कर रहा है. तुम इसके मार्क्स देखो, पहले मार्क्स कितने, 2. तुम इधर आके पढ़ो. इसका मतलब है कि हमें अपनी वैल्यूज को देखना पड़ेगा. हमारी डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आई है, 10 पावर माइनस 4. जरा चेंज इन लेंथ देखो, तो क्या चेंज इन लेंथ स्मॉल है और चेंज इन आर उससे ज्यादा स्मॉल है या कम स्मॉल है? ज्यादा स्मॉल है. तो अगर तुम्हारा सेंसर इतनी सी चेंज पर इससे भी कम रिएक्ट करे तो क्या ऐसा सेंसर को कामयाब होगा? सेंसर क्या होता है, तुम हल्का सा टच स्क्रीन को टच करते हो पूरी स्क्रीन स्क्रॉल कर जाती है. कभी तुम लोग जब टच पेन से लिखते हो हल्का सा हाथ हिले पूरी लाइन आ जाती है. इसका मतलब सेंसर कौन से अच्छे होते हैं, जो स्मॉल इनपुट पर लार्ज आउटपुट दे या स्मॉल इनपुट पर स्मॉलर आउटपुट दे? वेरी गुड. क्या ओवर रिएक्शन, क्या ओवर रिएक्शन सेंसर की सक्सेस होती है? हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना जो ओवर रिएक्ट होते हैं. कौन से बताओ, ओवर रिएक्टिव फ्रेंड्स कौन से होते हैं या सेंसिटिव फ्रेंड्स कौन से होते हैं? छोटी सी बात पे रो जाए, खड्डा कर दे, चमार लगा दे, नाराज होकर चले जाए, ये होते हैं ना. बिल्कुल ऐसे ही सेंसर को होना चाहिए. टच सेंसर, टच सेंसर क्या होता है, आप सिर्फ टच करते हैं तो क्या वो आपका कमांड मान लेते हैं? तो सेंसर के तौर पर क्या ये सक्सेसफुल है? 10 पावर माइनस 3 को कैसे लिखा है, 10 पावर माइनस 4 आउटपुट इनपुट से भी कम है. तो अगर इतना कम आउटपुट है फिर तो इनपुट ही बेहतर था. तो मैं इंग्लिश में क्या लिखूं, इज इट अ गुड सेंसर और नॉट? तो आंसर होगा नो. ये हमने पिक करना है ना, ये उसके दिल में है. सेंसर का जिक्र उसने नहीं किया लेकिन ये उसके दिल में है कि तुम ये पिक करो.
आंसर लिखो नो, एक नंबर मिल गया, दूसरा नंबर मिल गया। यस, लिखो कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज टू स्मॉल, हाँ, चेंज इन रेजिस्टेंस इज टू स्मॉल टू बी यूज्ड एज अ गुड सेंसेशन, टू बी यूज्ड एज अ गुड सेंसेशन कॉमा नॉट मेजरेबल, नवंबर 10, नहीं अभी मेरे पास 5 मिनट है, फजूल बात नहीं करें। पहला सवाल हमने किया है आधे घंटे में, दूसरा किया है 15 मिनट में। नवंबर 10, 21 का 6, यार जल्दी से निकाल लो, टाइम बहुत कम है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो फिर वही दोबारा ऑनलाइन बैठे हो, कोर्स तो खत्म हो, लेकिन भाई ये क्वेश्चंस भी तो हो रहे हैं ना, जो चीज लाइव होती है वही बेस्ट होती है। यार शफकत महमूद तो पता नहीं ये ना ऐलान कर दे कि तालीम ही खत्म हो रही। चलो बताओ, नवंबर 10 नहीं सॉरी नवंबर 11 21 का 6, ईयर नंबर नोट करो, पेज नंबर 358। चलो ये वाला क्वेश्चन निकालो, मुझे लग रहा है ये वही मशहूर क्वेश्चन है जिसकी वजह से रीटेक लगा था, मेरा ख्याल है ये वही। वो तो टॉपिक ही वही है ना, इस बंदे का कॉमन सेंस चेक करो यार, वो कह रहा हुक्स लॉ, भाई वो तो चैप्टर ही हुक्स लॉ पे कर रहा। चलो नहीं ये वो नहीं है, डिफाइन हुक्स लॉ बताते जाओ, डिफाइन हुक्स लॉ, लोड is directly proportional to extension provided elastic limit is not exceeded. लिख लो जल्दी से, कितने नंबर दे रहा है, एक दो लाइन, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। पास पेपर की बुक्स लाओ, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल्स हैं, प्लीज पास पेपर की बुक्स लाओ, उसके ऊपर लिखो ताकि तुम्हारा हाथ उस पे बैठ जाए, वो लंबा वाला लॉन्ग क्यों नहीं लिख पा रहा है पूरा। लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोवाइडेड इलास्टिक लिमिट इज नॉट Exceeded. चलो नीचे आ जाओ, स्केच दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या है, लोड, लोड क्या होता है, फोर्स होती, और एक्स पे क्या है, एक्सटेंशन, लेकिन एक्सटेंशन में ये मीटर से पहले क्या लिखा हुआ है, ये, हाँ गुड, तो इसने स्केल में उस वैल्यू को डाला हुआ है, पढ़ो, डिफाइन द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट, ये तो थ्योरी आ गई जबरदस्त, इलास्टिक लिमिट लिख लो, ये तो फ्री के मार्क्स दे रहे, डेफिनेशन लिख लो, द पॉइंट बियॉन्ड व्हिच, द पॉइंट बियॉन्ड व्हिच द डिफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर रिवर्सिबल, द पॉइंट बियॉन्ड व्हिच द डिफॉर्मेशन is no longer reversible, आगे पढ़ो, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या इस ग्राफ का ग्रेडियंट मांग रहा है, मुझे कैसे पता है इस ग्राफ का ग्रेडियंट है,
What is spring constant? Is it load upon extension? चलो कर दो. जल्दी से कर दो. मैंने ग्रेडियंट निकाला है, मेरे पास आ रहा है 80 न्यूटन पर मीटर. सही गलत आ रहा पीछे रेंज है? रेंज है पीछे मार्किंग स्कीम में रेंज है अंश? उसके द्वारा से गलत पीछे मार्किंग स्कीम में अगर रेंज है फिर सही है. चलो आंसर आ गया 80 न्यूटन पर मीटर. आगे पढ़ो. कैलकुलेट द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग विद अ फोर्स ऑफ 0.6.4 न्यूटन. ये वर्क डन कैसे आता है? क्या ये एरिया अंडर द ग्राफ है? ये जो फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ होता है इसका एरिया क्या शो करता है? वर्क डन. वेरी गुड. ये कहां से आया मेरे पास? 1/2. 1/2 कहां से आ गया? ट्रायंगल है. गुड. तो इसका एरिया निकाल दो. तो ये 0.256 कैसे आ रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा. चलो आगे पढ़ दो, टाइम खत्म हो गया बिल्कुल. अ सेकेंड स्प्रिंग बी ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2KA इज नाउ जॉइंड टू स्प्रिंग ए. क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं या पैरेलल? सीरीज में ओवरऑल एक्सटेंशन बढ़ती है कम होती है? बताओ आपने. और सिस्टम क्या हो जाता है? सॉफ्ट. तो पैरेलल में उल्टा होगा. सीरीज में एक्सटेंशन बढ़ती है, याद करो. सीरीज में एक्सटेंशन आसान हो जाता है. चलो अब ये हो गया. नीचे पढ़ो क्या पूछ रहे. हाँ, टोटल एक्सटेंशन निकालो. पार्ट ए, टोटल एक्सटेंशन ये कैसे निकलेगी? उसने क्या दूसरे स्प्रिंग का वो दिया हुआ है? मेरे पास ग्राफ से 6.4 पे जाके एक्सटेंशन रीड कर लूं और फिर फॉर्मूला लगाऊं एफ इज इक्वल टू के एक्स, वहां से दूसरी एक्सटेंशन आ जाएगी. दोनों एक्सटेंशन को सम कर दूं तो आंसर आ जाएगा. वर्किंग देखें.
जल्दी से कंप्लीट करें, क्लास का टाइम ओवर हो गया, आप मुझे कंप्लीट करके दें क्वेश्चन। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कैसे निकलता है? किसी को याद है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग्स में? वन अपॉन के साथ है या सीधा सीधा है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ उसमें वैल्यूज एड करो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला डालें, फॉर्मूला कॉपी करें और फिर इसको सॉल्व कर दें। किसी को पता है K1 की वैल्यू क्या है और K2 की क्या? व्हाट इज K1? हाँ क्या करें? ठीक है, ये वाला पार्ट कर ले फिर क्लास खत्म है। हमने 50 मिनट्स में अब तीन क्वेश्चंस किए, क्लास का टाइम है। अल्लाह हाफिज़। Peace.